नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़दीकला टाइम टीवी। मैं हूं साहिबा। हिंदी की टॉप 10 खबरों में आप सबका स्वागत है। भारतीय शिक्षा की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए आयोजित सम्मेलन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान देश भर के चुनिंदा 350 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के कुलपति और निदेशक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन UGC, AICTE, ICSSR सहित उच्च शिक्षा के जुड़े संस्थानों ने किया है। शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के शुक्रताल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे जवानों ने सीमा पर कुछ किया है, अगले कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आजाद भारत को एक सशक्त, स्वाभिमानी और नए भारत के रूप में विकसित करने के लिए हम सब कृत संकल्पित है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अभी हाल ही में हमारे जवान के साथ पाकिस्तान ने कुछ गलत किया था। हमारे जवानों ने सीमा पर कुछ किया है, कुछ लोगों को इसकी जानकारी है और अगले कुछ दिनों में आपको भी पता चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। कांग्रेस ने साल 2016 में सेना की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दावा किया कि मोदी शाह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ महागठबंधन है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जवानों की वीरता का श्रेय लेते हैं, लेकिन जब उनके हितों की बात आती है तो वह उनके साथ विश्वासघात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की चेकिंग के दौरान कार ना रोकने पर सिपाही ने कार पर गोली चलाई। इसके बाद कार अंडरपास के पिलर से टकरा गई और कार में सवार एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी की मौत हो गई। विवेक मूल रूप से सुल्तानपुर कुरवार क्षेत्र के सरैया माफी गांव में रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से शुक्रवार को हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान दानिश अहमद लोन और रजा इलियास माकरू के रूप में की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। आज एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 83.40 रुपए और डीजल 74.63 रुपए प्रति लीटर के रिकॉर्ड दर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में आज 1 लीटर पेट्रोल 90.75 रुपए और डीजल 89.23 रुपए की दर से बिक रहा है। तनुश्री दत्ता मामले को लेकर किए गए ट्वीट में ट्विंकल ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया है और इसे रीट्वीट करते हुए लिखा है कि तनुश्री दत्ता के खिलाफ कोई राय बनाने या उन्हें शर्मिंदा करने से पहले कृपया ये कतारबद्ध ट्वीट्स पढ़ लीजिए। कार्यस्थलों पर उत्पीड़न या भयहित वातावरण हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है और खुलकर बोलने से इस बहादुर महिला ने हम सबके लिए इस उद्देश्य को हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एशिया कप 2018 के फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से मात दे दी है। इसके साथ ही भारत ने 7वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भारत इससे पहले 1984, 1988, 1990, 91, 95, 2010 और 2016 में एशिया कप का चैंपियन बन चुका है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के करीब 50 मिलियन यानी 5 करोड़ यूजर्स का डेटा का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। फेसबुक पर अटैक करने वाले हैकर्स ने फेसबुक के एक कोड को टेकओवर करके यूजर्स का अकाउंट अपने कब्जे में ले लिया है। सामने आई जानकारी से मालूम चला है कि ये अटैक मंगलवार की दोपहर को हुआ। टॉप 10 खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे साहिबा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चढ़दीकला टाइम टीवी। नमस्कार।